कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। मेरठ के प्रेमपुरी क्षेत्र में एक घर पर धावा बोलकर 3 बदमाशों ने आज सुबह बुजुर्ग महिला को बंधक बना लिया। बदमाश वहां से कैश व जेवर लूटकर भाग निकले। मेरठ में पिछले 48 घंटे में बुजुर्गों से होने वाली यह दूसरी वारदात है। हालांकि शाम तक इस लूट में शामिल 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर मीडिया के समक्ष पेश कर दिया। गिरफ्तार किए गए बदमाशों में आमिर उफ पकौड़ी निवासी मकबरा डिग्गी और थाना खरखौदा बड़ा गांव निवासी मोनू शामिल हैं। इनका तीसरा साथी अभी पुलिस पकड़ से दूर बताया गया है। इस घटना के बाद पीड़ित बुजुर्ग महिला प्रतिमा ने FirstBite.tv को यह जानकारी दी। अमर, क्या नाम है आपका? प्रतिमा मंडल। क्या हुआ आज आपके घर में घटना? जब मैं 5 बजे उठी ना, तो मेरा दोनों दरवाजा बंद हो जाते हैं। रोज पर मैं उठ के पहले दवाई दवाई खाना पड़ता है। उसके बाद मैंने जाली वाला ए वाला गेट खोला, जाली वाला मैं रसो में गई वो देखने के लिए पानी आ रहा क्या नहीं। रोज देखती हूँ, जैसे मैं आई तो तीन लड़के थे, वो निकल के मेरा मुंह आंखें सारे बन के इस कमरे में गए। मैं हाथ पैर सब बन गए, मुँह आंखें भी बंद कर दिया। जैसे नाक में था वो भी ज़बरदस्त निकल गए। मेरे को यहाँ कान पे इतने ज़ोर से मारा और मेरा मुंह में कपड़े घुसा दिए, यहाँ मेरा चोट लग गया। और फिर जो तीनों ने फिर मुझसे बार बार पूछ रहे कि बता गहना कहाँ है, हम तो गहना और पैसे लेना है। मैंने कहा मेरे पास इतने गहने कहाँ होंगे भाई, मेरे को तो पेंशन ही मिलते हैं। तो फिर इन्होंने मार के उस कमरे में मुझे हाथ पैर बांध के, मतलब बड़ी मुश्किल से मैं उस कमरे में पीछे से कुंडी, वो तो अच्छा हुआ जरा सा कुंडी लगा के गया था, जिससे मैं बड़ी मुश्किल से उठ के पैर भी बंधा था, हाथ भी बंधा हुआ था पीछे, और मुंह में ऐसा बांध के गया। हाँ, कितने बदमाश थे? 3 लड़के थे। मुंह कपड़ा बांध रखा था? हाँ, उन्होंने कपड़े बांध के यूं करके मेरे को तो आंखें बंद कर दिया, कपड़े मेरे को नजर ही नहीं आ रहे थे। फिर बड़ी मुश्किल से मैंने वहाँ ही हाथ में ना मेरा बाहर का गेट का चोर ताला वो लेकर चला गया, जिससे कि खोले ना। क्या क्या ले गया आपके घर से? मैं तो पैसे गए, मतलब कुछ गहने ले गए, और मेरा भैया पेंशन उठा के दे जाते वो लेके गए, सारे मतलब 5-6 महीने के लिए दे जाते, सारे कुछ खरीदना पड़ते गैस बिजली का बिल वगैरह। ये तो भैया तो अभी उठा, भैया आने से पूछ लेना, भैया मेरे को घबराहट हो। मेरा पापा आर्मी में थे, ये 12 नंबर हॉस्पिटल नहीं है, हम शिलोंग से यहाँ आए थे, हमें हिंदी नहीं आते थे बिल्कुल, तो अभी भी मुझे हिंदी बोलने में जरा परेशानी हो रही है। और 5 बजे, 5 बजे भाई गर्मी का दिन है, 5 बजे कितने घंटे तक आप बंधक बने रहे घर में, कितने टाइम बाद आप? वही तो उन लोग जब देखा ना 6 बजे तो उजाला हो जाते ना, तो आधा घंटा के 1 घंटा उन लोग सामान निकाला सारा इधर उधर, अंदर के कमरे बिखरा हुआ, फोन 3 फोन ले गया, अब मैं फोन नहीं कर पा रही, भैया को कलकत्ता में रहते हैं। 48 घंटे में बुजुर्गों से होने वाली इस दूसरी घटना के तुरंत बाद ही मेरठ के नए पुलिस कप्तान डॉक्टर विपिन टांडा भी मौके पर पहुंच गए थे। उनसे जब घटना के बारे में बात की गई तो उन्होंने यह कहा। लूट की वारदात को अंजाम हुआ, क्या पूरा जी? एक ये महिला है जिनके यहाँ पर आकर सुबह 3 युवकों ने लूट किया है, और इसमें महिला की जो शिकायत है उसके अनुसार इनके कुछ मोबाइल और कैश गया है, कुछ गहने गए हैं, कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए है सब मिला के, और इसमें हमने कुछ अभियुक्तों को हिरासत में भी लिया है, शक के आधार पे उनसे पूछताछ की जा रही है और शीघ्र ही इस घटना का अनावरण किया जाएगा। देखने में आया कि जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है, पूरा रेगी करके प्लान किया जाता है, कैसे किस प्रकार से बदमाश है जो घटना किए हैं उनको अनावरण करके गिरफ्तार भी किया जाएगा, कठोर कार्रवाई भी की जाएगी, और पूर्व में जो ऐसे अपराधी हैं जो हमारे बुजुर्ग लोग रहते हैं उनका भी हमने ऑपरेशन सवेरा के तहत 112 में उनका पंजीकरण किया है, साथ ही जो ऐसे अपराधी तत्व हैं उनको भी चिन्हित करके प्रत्येक थाना क्षेत्र में उन पर कठोर कार्रवाई निरोधात्मक कार्रवाई पूर्व से ही की जाएगी, और जैसा कि आपने देखा पुलिस भी तत्परता से आई है और इस घटना का अनावरण भी उतनी ही तत्परता से किया जाएगा। सर, कौन सी क्षेत्र का घटना है? थाना क्षेत्र, ये थाना रेलवे रोड थाना क्षेत्र की घटना है, जहां पर ये एक महिला के घर में घुसकर 3 युवकों ने उनके साथ लूट की घटना कारित की है, जिसमें कि सुबह 5 बजे की घटना बताई जा रही है,
और इसमें कैश और जो इनके मोबाइल हैं और कुछ गहने गए हैं सब मिलाकर कीमत करीब 1.5 लाख रुपए है। और इसमें 3 अभियुक्तों को जो लेडी है उनको उनके द्वारा बताया गया कि 3 युवक थे जिन्होंने ये घटना कारित की है। उसी आधार पर पुलिस ने शक के आधार पर कुछ को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और शीघ्र ही इसका अनावरण किया जाएगा। आज शाम मेरठ के शहर कप्तान आयुष विक्रम सिंह ने मीडिया को इस घटना का खुलासा करते हुए यह जानकारी दी। महिला की जो वृद्ध महिला है उसके घर में आज लूट का लूट की वारदात हुई थी। घटना के अनावरण सीओ कैंप के नेतृत्व में रेलवे रोड की पुलिस एवं मुसलराज की टीम कराई गई। इस घटना का सफल अनावरण कर लिया गया है। इसमें टोटल अभी 2 लड़के पकड़े गए हैं। उनके पास से चोरी हुआ जो सामान है उसको बरामद किया गया है। 2 मोबाइल फ़ोन रेडमी के हैं, 2 अंगूठियाँ, 2 लौंग नाम से पहनने वाले तथा 28,050 रुपये इनके पास से मिले हैं। इसमें जो पकड़े गए अभियुक्त हैं इनके दो लोग पकड़े गए, एक का नाम आमिर और पकौड़ी है तथा दूसरे का नाम मोनू है। आमिर रेलवे रोड का ही रहने वाला है जो हाल फिलहाल में आजकल ये हापुड़ में रह रहा है और साथ में ये जो मोनू है ये अभी खरपौदा में रहता है। पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया कि ये आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे काफ़ी दिनों से और मोहल्ले में सभी को पता था कि जो जो महिलाएँ प्रतिमा मंडल वो अकेले रहती हैं तथा इनके घर में कुछ पैसे मौजूद रहते हैं जिनके हमेशा रहते हैं इनके पास। इस चीज़ का जैसे इनको जानकारी हुई इन्होंने कल रात में शराब पीते वक्त इन्होंने अपना प्लान बनाया। 3 लोग बैठे हुए थे तो शराब के पास सुबह सुबह 5 बजे ये लोग बाउंड्री वॉल से चढ़े हैं। बाउंड्री वॉल से चढ़ने के बाद ये छत पे आए, छत पे इन्होंने थोड़ी देर वेट किया। जैसे प्रतिमा मंडल सुबह दरवाज़ा खोला उन्होंने दरवाज़ा खोलते ही ये लोग नीचे आए हैं। नीचे आने के बाद इन्होंने इनके आँख और मुँह बंद कर दिया था और मुँह बंद करने के बाद इनके हाथ बांधे, उसके बाद हाथ पैर बांध के इनको कमरे में लेके गए हैं। कमरे में इन्होंने चाबी के थ्रू लॉकर से जो भी सामान इनको मिला, इनका कहना है करीब 50,000 रुपये के आसपास कुछ गए और कुछ ज्वेलरी गई थी। इनको भी अभी आइडिया नहीं है कितना सामान गया है, 40-50,000 रुपये के आसपास का सामान है। वो पैसे इन्होंने आपस में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। उसके बाद इन्होंने इनको एक कमरे में बंद किया तथा यहाँ से भाग गए। मुखबिर खास की सूचना पे हमने इनको पूछताछ के लिए बुलाया था जहाँ पे पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना जुर्मी कबूल कर लिया। बरामद 2 रेडमी फ़ोन बरामद हुए हैं। इसमें 3 फ़ोन चोरी हुए थे जो 2 बरामद हो चुके हैं। इसमें कुछ ज्वेलरी थी जिसमें से हमें 2 अंगूठी और 2 नग जो नाक में पहनने वाले होते हैं कील बोलते हैं ये बरामद हुए तथा 28,050 रुपये मिले हैं। सर पहले भी लूट की घटना में जेल जा चुके हैं? नहीं लूट में तो नहीं, इनका चोरी की पहले जो ये आपका आमिर पकौड़ी है ये पहले भी चोरी में जा चुका है। इसके ऊपर अभी 3 मुकदमे आज अगर मिला लेंगे 4 मुकदमे। सर घटना में 2 ही आदमी थे? नहीं टोटल 3 थे, 2 मिल चुके हैं, एक की अभी तलाश जारी है, उसको भी जल्दी अरेस्ट किया। इनका मास्टरमाइंड कौन है? देखिए मास्टरमाइंड कहना मुश्किल है कि तीनों ही बैठे थे एक साथ। कल जो कहना था इनका कि तीनों बैठ के तीनों ही आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे इसमें। तो इनका कहना है कि जो 2 हैं ये 2 हमने पकड़े, जब उनसे पूछताछ की इन्होंने बताया कि सब पैसे हमारी कमी थी जो शराब पीते पीते अचानक इनको लगा कि ये इजी टारगेट है क्योंकि वे तो महिला थी, इजी टारगेट होने की वजह से इनको टारगेट किया गया। सर सवाल ये है कि देखिए अभी इस पर पूछताछ के दौरान क्लियर हो जाएगा इसमें। बाकी अभी तो लग रहा है जिस तरह से इन्होंने घटना की गैंग की तरह काम कर रहे हैं जैसे लग रहा है। सर सवाल ये चोरी का माल कहाँ बेचते थे, क्या उनकी भी जांच? देखिए मैं जैसे बताइए आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे तो इन्होंने जो चोरी के पैसा इन्होंने खुद रख लिया था, ये अब इनसे पूछताछ की जाएगी और कहाँ भेजते हैं ये कहाँ पे भेजते हैं। महिला के मकान का पैसे पूर्ति करने के मैंने देखिए ये रोड पे ही महिला का मकान है उसके जस्ट बगल में बाउंड्री है, ये बाउंड्री से चढ़े, बाउंड्री से चढ़ने के बाद छत पे पहुँचे, ऊपर खुला हुआ। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।